7 साल 3 महीने 4 दिन बाद निर्भया को आखिरकार 20 मार्च को इंसाफ मिल ही गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल की घड़ी में 5:30 हुए और निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी पर लटका दिए गए। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड में आज करीब 7.25 साल के बाद इंसाफ हुआ है। तिहाड़ जेल के फांसी घर में शुक्रवार की सुबह ठीक 5:30 निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 7 साल 3 महीने और 4 दिन पहले यानी 16 सितंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था और आज जाकर उसका नतीजा निकला है। शुक्रवार सुबह दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद लोगों ने तिहाड़ के बाहर मिठाइयां बांटी। निर्भया की मां आशा देवी ने लंबे समय तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब दोषियों को फांसी दी गई तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 मार्च को वह निर्भया दिवस के रूप में मनाएंगी। आशा देवी का कहना है कि वह देश की दूसरी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। देखिए फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितने भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा, क्यों कि आप जहां से भी आपको खबर मिलती होगी हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। सभी लोग इस बात को कहेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस इनको फांसी होने से दुखी होंगे, वो भी उनके माँ बाप होंगे, उनके वकील होंगे। जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस हीनियस क्राइम का था, ये रेयरेस्ट मैटर था, उसका इनको पनिशमेंट मिला है। जिस तरीके से निर्भया अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आई थी यहाँ पर और उनके सपने थे वो इंटर्नशिप करने जा रही थी, नेक्स्ट डे उनको जाना था, लेकिन उनके साथ जो हीनियस क्राइम हुआ वो उनके सपने टूटे, उनको एक झटके में सब कुछ। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज।